का जिक्र करेंगे। हॉट सीट बुधनी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यनंद मिर्ची बाबा पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सपा प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट करने के लिए साड़ियां बांट रहे थे। शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने मामले को लेकर संज्ञान में लिया, प्राथमिकी दर्ज करवाई है। ये तस्वीरें आप देखिए, मिर्ची बाबा जिन पर एफआईआर दर्ज हो गई है, साड़ियां बांटते हुए सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। मिर्ची बाबा को वीडियो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनके द्वारा अभी जवाब नहीं दिया गया, उनके द्वारा जवाब दिया जाएगा। इसके बाद उसमें जो भी आगामी वैधानिक कार्रवाई आदर्श आचरण संहिता के आधार पर हो बनेगी, उसके हिसाब से आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। सर, उनको समय सीमा क्या कुछ दी गई है? समय सीमा उनको तत्काल कहा गया था, तत्काल पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद अपना जवाब प्रस्तुत करें, उनके द्वारा जवाब अभी नहीं पेश किया गया। आज पुनः एक नोटिस और उनको जारी किया जाएगा कि आपको नोटिस जारी किया गया था, आपने जवाब नहीं दिया, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसकी जवाबदारी आपकी होगी। और उसके बाद भी उनके द्वारा नोटिस। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां थाने में कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। टीआई के केबिन में 20 मिनट तक विवाद चलता रहा, दोनों पक्षों पर केस दर्ज हो चुका है। विधानसभा एक में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने थे, तस्वीरें आप देखिए। संजय शुक्ला भी पहुंच गए समर्थकों सहित, यहां पर हंगामा खड़ा किया, सुरक्षा कर्मियों को कमान संभालनी पड़ी। इतनी समझाइश देने के बावजूद 20 मिनट तक ये विवाद निरंतर कायम रहा। और अब चुनावी खर्च की चर्चा करेंगे। भोपाल से ये जानकारी है कि बीजेपी से कांग्रेस कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है चुनावी खर्च में। पीसी शर्मा ने सबसे ज्यादा खर्च किया है इस बार चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने में। 24 लाख रुपए की राशि उनकी तरफ से खर्ची गई है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आप बात करें विश्वास सारंग की और आलोक शर्मा की, जिनका नाम सामने आया है, उन्होंने सबसे कम खर्च किया है। 40 लाख रुपए चुनावी खर्च की सीमा तय होती है। विश्वास सारंग को लेकर तो यही जानकारी कि कम से कम 8 से 10 लाख तक का ये खर्च उनकी तरफ से हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आकर्षण का केंद्र बनते हैं यहाँ पर पीसी शर्मा। 24 लाख रुपए खर्च करने पड़े हैं पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और मैयर से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता की बाइक में आग लगा दी गई है, धू धू कर ये बाइक जलती दिखी है। पीड़ित अजय शर्मा ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। शराब बांटने पर मना करने पर आग लगाने का आरोप है। रामनगर वार्ड नंबर 5 देर रात विवाद हुआ, अमर पाटन विधानसभा का ये मामला। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता की बाइक में आग लगा दी गई। मतदान से पहले विवाद की एक और तस्वीर आप देखेंगे, मैयर से शराब बांटने से मना करने का आरोप, और इसी के चलते उनके खिलाफ ये साजिश रची गई, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। ये हुई कि बाढ़ में मैं अपने घूम रहा था, दो लोग रहे हैं, बाइक में शराब लिए ने मैं पीछा उनका किया, और जैसे ही मैं गाड़ी खड़ी किया तो पेट्रोल का पाउच लिए रहे हैं मेरे ऊपर मारे, तो मैं वहां से उतर करके भाग दिया और इसके बाद मेरी बाइक 10 कदम में जला दिए। कौन लोग थे, क्या पहचानते हैं? वार्ड प्रभारी है, वार्ड क्रमांक 5 का राजेंद्र पटेल है, और राम सुशील का बेटा सुजीत, और इसके साथ साथ पाउच एक फेंका है प्लास्टिक का जिसमें पेट्रोल था, पूरे उसके चेहरे में गिरा कर चेहरे में लगा, और कपड़ों में भी अभी भी बदबू आ रही है। वो थाने के बाहर बैठा है, गवाह हैं, सबूत हैं, सब कुछ है उसके साथ, लेकिन वहाँ FIR दर्ज नहीं की जा रही है रामनगर में। पीड़ित के पास तक पुलिस पहुँच गई है और उसे सभी संबंधित तथ्य खंगाले जा रहे हैं। जैसे ही आगे जो तथ्य सामने आएंगे आज के पश्चात उसमें तत्काल FIR की जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं आग की दो तस्वीरें। पहली तस्वीर गुना की है, कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, आग की चपेट में आसपास की इमारतें भी आईं। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट हालांकि बताई जा रही है, लेकिन अभी भी आशंका के तौर पर ही है। दूसरी तस्वीर दमोह से आप देख रहे हैं, प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई, देर रात फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची टीम ने जैसे तैसे मशक्कत के साथ इस आग पर काबू पाया। तो दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, गुना और दमोह,
भीषण आग की लपटें कैद हुई हैं। दमोह में प्लास्टिक फैक्ट्री पूरी तरह से राख हो गई, जबकि गुना में कपड़े के दुकान में आग लगी थी और धीरे धीरे कर अलग अलग मकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। राहत भरी बात यही दोनों ही घटनाओं को लेकर कि जनहानि नहीं हुई। तो दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल दोनों ही जगहों पर, लेकिन अब चूंकि स्थिति नियंत्रण में आई है तो ये माना जा रहा है कि काफी नुकसान भी हुआ है साग से। जब देखा गया अंदर जाकर सभी सामान नष्ट हो चुका था।